हेलो एवरीवन, एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है और एग्ज़ाम आपके 1 नवंबर से हैं। देन वी डिसाइडेड कि आपके लिए रिवीजन, चूँकि जुलाई 20 के अकॉर्डिंग सब कुछ हम कर चुके हैं, फिर भी रिवीजन के कुछ टॉपिक्स डेली बेसिस पे चैनल पे डाले जाएं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स, इनकम टैक्स के रिवीजन के लिए। इसमें कॉमन टॉपिक्स आएंगे जो कि सीए फाइनल भी देखेगा और सीए इंटर भी देखेंगे, और डेली टीडीएस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दोनों के लिए, टीडीएस और डिडक्शंस दोनों मिला के दोनों ही लोगों के पेपर में, फाइनल और इंटर दोनों में लगभग 16 मार्क्स कवर करता है। इन दोनों के कुछ इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को डेली बेसिस पर डिस्कस किया जाएगा। वीडियो की ड्यूरेशन 15-20 मिनट तक की होगी, इससे ज़्यादा की ड्यूरेशन की वीडियो नहीं बनेगी। बट आपको इसका बेनिफिट क्या होगा, रेगुलर ये दोनों सेक्शंस हमेशा भूलती हैं, डिडक्शंस भी इंसान को भूल जाता है और टीडीएस भी, बहुत बार ऐसा देखा गया, इसीलिए मैंने इन्हीं दो चैप्टर्स को एम किया है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसकी केवल ये क्लासेस देख लेते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको पेपर मिलेगा उसके पेपर में आपकी कहीं हेल्प कर ले जाए और 16 मार्क्स तक का नंबर आपको सिक्योर करके दे दे। और रेगुलरली इन लेक्चर्स को बस आप देखते रहिएगा, और प्लीज़ मुझे आज कमेंट करके बता दीजिए कि ये थॉट या फिर आपको रेगुलर बेस पे ये 20-25-30 मिनट तक के वीडियोस चाहिए नहीं, जो कि टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक बेस्ड होंगे। हमारा रेगुलर सिलेबस जिस अकॉर्डिंग चला एक फ्लो में, वो फ्लो चल चुका है, लेकिन चूंकि रिवीजन के लिए केवल स्पेशल टॉपिक बेस्ड वीडियोस आपको मिलेंगे जो एक स्पेसिफिक सेक्शन या टॉपिक उठा के आपको कराया जाएगा, और फाइनल इंटर बोथ को ये वीडियोस करने होंगे 15-20 मिनट अपनी प्रिपरेशन के लिए। ओके, आज का सेक्शन करते हैं अब हम लोग। हमें जो पढ़ना है वो है सेक्शन 194DA। सर, सेक्शन 194DA, डीए के लिए कहीं ना कहीं जब मैं अपनी क्लासेस में आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कुछ डेथ आफ्टर करके रेफर किया था, बट ओके, डेथ आफ्टर हम इसमें सर किस चीज की टीडीएस कट रही है, किस चीज की टीडीएस के बारे में बात करते हैं, तो 194DA में हम लोग टीडीएस ऑन मैं अपने मार्कर की इंक को थोड़ा लो कर दूं, प्लीज़ 1 सेकेंड रुक जाइए आप, बिकॉज प्रॉब्लम तो हो रही है हमें लिखने में भी और शायद आपको देखने में भी। चलिए, हाँ, ये 194DA किस चीज़ की सेक्शन है? सर, 194DA सेक्शन है टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। पहली बात, सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस के लिए ये है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और सर मतलब क्या है, देखिए LIC का फंडा क्या होता है, LIC में कोई इंसान होता है, एक इंसान है, ये अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कराता है फॉर सम एश्योर्ड कि अगर इस इंसान को कुछ भी हो जाता है, इसकी डेथ अगर हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ऐसे मतलब अगर ये इंसान ख़त्म हो जाता है तो इसकी फैमिली को, एग्जांपल के लेते हैं कि 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है, और ये सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए का होता है, बट ये पीरियड के लिए भी चलता है कि मान लो सर 2025 फरवरी 2025 तक की इसने पॉलिसी ली है, ऐसा एक सीन है। तो ये फरवरी 2025 की जब ये पॉलिसी लेते हैं तो ये पहले की डेट से पॉलिसी ले रहे होते हैं। लेट से इन्होंने 2015 में पॉलिसी ली थी और ये पॉलिसी चल रही है 10 साल तक, 10 ईयर्स की पॉलिसी ली थी, ऐसा होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये 10 ईयर्स तक हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट जमा कर रहे होते हैं, इस अमाउंट को क्या बोलते हैं, LIC का प्रीमियम बोलते हैं। हाँ सर, तो मान लेते हैं कि ये प्रीमियम आपका, हर साल का ये प्रीमियम आपका ₹60,000 था, तो ये 60,000 10 सालों तक जमा करेंगे 10 लाख सम इश्योर्ड के लिए, इस तरीके का एक प्रोविजन होता है। ओके, अच्छा सर आपको एक मैं बात बताते हैं, मान लीजिए 2025 तक तो भाई साहब को कुछ नहीं हुआ, मिस्टर शर्मा है ये, मिस्टर शर्मा जी को कुछ भी नहीं हुआ, भले चंगे हैं और ये थोड़े से बूढ़े भी हो गए हैं अब 2025 में, तो इनको सम इश्योर्ड मिलता है, ये जो 60,000 रुपये पर मंथ पर एनम जमा करते थे, सम इश्योर्ड होते होते मतलब ये प्रीमियम जाते जाते 10 साल तक इनको ऑन बोलो फरवरी 2015 में कितने रुपए मिले, मान लीजिए इनको मिलते हैं 12 लाख रुपए, कंपाउंडिंग हो जाती है, ये
पैसा इन्वेस्ट होता है तो इस पे इनकम होती है, इनको 12 लाख रुपए मिलती है। तो इस 12 लाख रुपए को क्या कहा जाता है? मैच्योरिटी प्रोसीड्स। क्या बोलते हैं इसको? मैच्योरिटी प्रोसीड्स। अगेन देखिएगा, प्रीमियम आपने दिया 60,000 रुपए का, ये सम एश्योर था कि अगर आप मर गए तो आप क्यों मरेंगे भाई। मिस्टर शर्मा अगर मर गए, जो भी मिस्टर है, ये अगर ये मर गए तो सम एश्योर, इनका सम एश्योर है 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए इनकी फैमिली को दिया जाएगा। ओके ओके सर। लेकिन यही 60,000 10 साल तक ये प्रीमियम भरे, और इस प्रीमियम पे अगर इनको कुछ नहीं हुआ तो मैच्योरिटी प्रोसीड विद इंटरेस्ट या विद इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट इनको 12 लाख रुपए की मिली, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी प्रोसीड्स। तो सर ये टीडीएस की जो सेक्शन है ना, ये टीडीएस की जो सेक्शन है टीडीएस ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मतलब आप कहीं ना कहीं देख लीजिए ये इस अमाउंट पे बात कर रहा है, 12 लाख रुपए पे मैच्योरिटी प्रोसीड्स के बारे में बात कर रहा है। सेक्शन कहाँ पे लगता है ये आपको समझ में आ चुका है। देखो हमने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं तो उसको हमने कुछ फॉर्मेट लिया था कि पैसा देता कौन है और पैसा पाता कौन है, पेयर कौन है और पेई कौन है। तो अगर हम LIC की बात करेंगे तो पेयर तो हमेशा LIC होगा। LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ही नहीं है, जो भी लाइफ इंश्योरेंस देने वाली कंपनीज है, अगर वो प्राइवेट कंपनी है, रिलायंस की भी कंपनी है, रिलायंस प्रीमियम है, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस है, सन लाइफ इंश्योरेंस है, कोई भी है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो होगी वो मेरी पेयर होगी। हाँ सर, इंश्योरेंस कंपनी मैच्योरिटी प्रोसीड्स का पैसा देगी। सर पेई कौन होगा? जिसने खरीदा था पॉलिसी, यहाँ मिस्टर शर्मा थे, तो पेई तो एनी पर्सन हो सकता है, कोई भी इंसान अपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब हम कुछ चीज़ें जो पढ़ते थे कि सर रेट क्या होता है और अमाउंट क्या होता है, रेट क्या होता है टीडीएस का और अमाउंट क्या होता है, तो यहाँ रेट पे कुछ चेंजेस आए हैं। रेट एक है 1% का और एक है 5% का। ये चेंज आया है निर्मला सीतारमन जी के फाइनेंस एक्ट से, वो जो फाइनेंस एक्ट लेके आई थी तब से, ठीक है। बट सर अमाउंट के बारे में बात करें तो ये टीडीएस तभी कटेगा अगर सम एश्योर्ड नहीं, मैच्योरिटी प्रोसीड्स किस पे कट रहा है? मैच्योरिटी प्रोसीड मतलब ये वाला अमाउंट, अगर ये वाला अमाउंट 1 लाख रुपए और मोर होगा तो ही ये टीडीएस कटेगा। क्लियर है? हाँ सर, थोड़ी बात तो क्लियर हो गई। कौन सी थोड़ी बात? कि टीडीएस का अमाउंट अगर 1 लाख रुपए और मोर, सॉरी, सम मैच्योरिटी प्रोसीड्स अगर 1 लाख रुपए और मोर है तभी टीडीएस कटेगा, अगर मैच्योरिटी प्रोसेस में 99,999 भी होती तो भी टीडीएस नहीं कटता। मतलब हमें पहले तो टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा इस कंडीशन के लिए भी ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जिसमें कंडीशन नंबर एक क्या बोलती है हमसे, जिसकी कंडीशन नंबर एक बोलती है कि टीडीएस का अमाउंट है मैच्योरिटी प्रोसीड्स का अमाउंट 1 लाख रुपीज और मोर होना चाहिए। और अभी एक दूसरी कंडीशन आएगी जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है सर जी। चलो सर अभी बता दो दूसरी कंडीशन क्या होगी। दूसरी कंडीशन होती है कि अगर ये अमाउंट एग्जेम्प्ट नहीं है, मतलब अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स इज नॉट एग्जेम्प्ट एज पर सेक्शन 1010D। सर सेक्शन 1010D के अकॉर्डिंग अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट नहीं होती है तो ही टीडीएस कटता है। सर एक बात और बता दो, तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स ये 1010D क्या है सर? सर ये 1010D क्या है? देखो 1010D भी एक कमाल की सेक्शन है सर। 1010D आपसे सीधी बात करती है, 1010D आओ 1010D ये कमाल की बात करती है। अगर इसके थ्रू एग्जेम्प्ट हो गई मैच्योरिटी प्रोसीड तब तो बात खत्म, टीडीएस कटेगा नहीं। लेकिन एग्जेम्प्ट कब होगी? इसके थ्रू मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट कब होगी? मैच्योरिटी प्रोसीड्स एग्जेम्प्ट कब होगी? इफ प्रीमियम जो हमने बताए थे आपको, देखे यहाँ पे इस तरह इधर, ये 60,000 रुपये जो प्रीमियम गया है कितने पे? 1 लाख रुपए पे। अगर प्रीमियम, इफ प्रीमियम अमाउंट शुड बी, अगर प्रीमियम अमाउंट शुड नॉट बी, इवन लिखिए शुड नॉट बी, एग्जेम्प्शन तभी मिलेगी अगर प्रीमियम एग्जाउंट अधिक नहीं होता है, शुड नॉट बी मोर देन 10% ऑफ सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती करते हैं, मैच्योरिटी प्रोसेस लेते हैं, बेटा जब प्रीमियम आया ना तब हमें मैच्योरिटी प्रोसेस का नहीं पता था, तब तो हमें केवल सम एश्योर्ड के बारे में पता था। जब इन्होंने पॉलिसी खरीदी तो इनका सम एश्योर्ड 10 लाख रुपए था, 10 लाख रुपए था ये इनको पता था, और इसके 10% मतलब 1 लाख से कम अगर ये प्रीमियम दे रहे हैं, 60,000 दे रहे हैं, तो इनको इनकी मैच्योरिटी प्रोसेस जो 12 लाख आएगी इस पे इनको 1010D का एग्जेम्पशन मिल जा रहा है यहाँ पे। तो यही एक लॉ है
सर 1010D का लॉ क्या है, अगर 10% से कम आपका प्रीमियम है तो आपका मैच्योरिटी प्रोसेस एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन सर इसी सेक्शन में अगर ये 60,000 की जगह होता 1,10,000, अगेन सुन लीजिए, अगर प्रीमियम 60,000 की जगह होता 1,10,000 तो सम एश्योर्ड का 10% होता 1,00,000, 1,00,000 से ज़्यादा प्रीमियम चल जाता तो 1010D की एग्जेम्प्शन नहीं मिलती। क्लियर है? हाँ सर, ये बात तो आपकी क्लियर है। चलो 1010D के बारे में एक और बात आपको बता देते हैं। देखो सर, लाइंस पे लाइंस निकलती जा रही है, क्या करा रहे हो। 1010D के बारे में एक छोटी सी बात आपको बता देते हैं कि 1010D सेक्शन अमेंडेड है 31 मार्च 2012 को। मतलब 1010D सेक्शन के लिए कहा जाता है कि 1010D में आपने जो रूल पढ़ा ना 10% और 20% वाला, एक डेट आ गई 31 मार्च 2012। इससे पहले अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी तो यहाँ पे 20% ऑफ सम एश्योर्ड भी अगर आप प्रीमियम पे करते हैं तो भी ओके है। लेकिन इस डेट के बाद मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 आपके लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड हो गई थी। मतलब ये जो चीज मैंने पढ़ाया ये 10% हो गई थी 1 अप्रैल 2012 से, लेकिन उसके पहले सेम चीज 20% थी। तो आप क्वेश्चन पे डेट चेक कर सकते हैं और आप पता कर सकते हैं 1010D के लिए 10% ऑफ सम एश्योर्ड लेंगे या 20% ऑफ सम एश्योर्ड लेंगे। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई है? बिल्कुल सर, क्लियर हो गई है। सर अब बात करते हैं, हमने जो TDS 194A में पढ़ा कि TDS ऑन मैच्योरिटी प्रोसीड्स है, इंश्योरेंस कंपनी TDS काटेगी किसी भी पर्सन को अगर दिया जा रहा है और अगर मैच्योरिटी प्रोसीड्स मेरी 1,00,000 रुपए से 1,00,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो। लेकिन सर रेट आपने बताया 1% और 5%, ये क्या नई चीज है? देखिए, जो सम इश्योर्ड मान लीजिए आया आपका कुछ भी, यहाँ पे मैच्योरिटी प्रोसीड्स आई, चलिए मैच्योरिटी प्रोसीड्स आ गई हैं, ठीक है। अब इस पे एक डेट आती है, मैच्योरिटी प्रोसीड्स पे एक डेट आती है और वो कुछ इस तरीके से आप बाइफर्केट करेंगे, 1 सितंबर 2019 की डेट है वो। अगर इसके पहले की मैच्योरिटी प्रोसीड्स हैं तो उस पे 1% ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स का टीडीएस कटता था, लेकिन इस डेट के बाद आने के लिए 5% ऑफ मैच्योरिटी प्रोसीड्स लेस प्रीमियम पेड टिल डेट, प्रीमियम पेड जितना आपके हैं उसका कटता है 5%। मतलब सर, मतलब अगर 1/9/2019 के पहले की बात करें तो सम एश्योर्ड यहाँ पे कितना आया था, सम एश्योर्ड नहीं, मैच्योरिटी प्रोसीड्स। हर बार सम एश्योर्ड वाली गलती नहीं करनी है, सम एश्योर्ड भी आप गलती कर सकते हैं, मैच्योरिटी प्रोसीड लेंगे। 1,200,000 का 1% कटता TDS 12,000, लेकिन 1 सितंबर 2019 के बाद, इस डेट के बाद इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इनकम कंपोनेंट पे काटा है। किस पे? इनकम कंपोनेंट पे TDS काटा है। TDS यहाँ पे किस पे, मान लो इस 1,200,000 रुपए पे जब TDS कटता था, पहले 1% जब 1,200,000 पे कट रहा था तो जो 60,000 का जो आपने इंस्टॉलमेंट पे किया एक्चुअल में, तो उस पे भी कट जाता था, आपने जो पैसा लगाया उस पे भी TDS कट जाता था। लेकिन TDS तो केवल इनकम पे कटना चाहिए, जो पैसा लगा के कमाया आप 60,000 रुपए, मान लीजिए 10 साल तक आपने दिया तो 6,00,000 रुपए आपने दिया, 1,200,000 रुपए आया तो 1,200,000 पे आपका प्रीमियम कटना चाहिए, सॉरी 6,00,000 रुपए आपने लगाया, 6,00,000 रुपए और 1,200,000 रुपए पाया, तो 6,00,000 रुपए जो कि इनकम हुई, 6,00,000 पे TDS कटना चाहिए ना, क्योंकि TDS तो इनकम पे कटता है। लेकिन पुराने रूल के हिसाब से TDS मैच्योरिटी प्रोसीड्स पे कटता था, तो पूरे 1,200,000 पे कट गया। बट यहाँ पे क्या हुआ ना, देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये, बट ये इंपॉर्टेंट भी है, CA इंटर CA फाइनल दोनों इस चीज को करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हमने बोला, इनकम कंपोनेंट पे केवल TDS काटेंगे, इसका मतलब जब हम यहाँ 5% लेंगे तो मैच्योरिटी प्रोसीड्स तो मेरी 1,200,000 रुपए की है, एग्जाम्पल यार आप लोग कहीं लिख लो, और प्रीमियम पेड आपने कितना किया है, प्रीमियम पेड जो आपका है ये सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपए इंटू 10, मतलब 6,00,000 रुपए का ही प्रीमियम पे किया है, तो अब डिफरेंस के 6,00,000 रुपए का 5% आप TDS काटेंगे, ठीक है? ठीक है सर, डिफरेंस का जो 6,00,000 आया इसका 5% आप TDS काटेंगे। ओके ओके सर, यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आ गई।